गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं सोने जा रहा हूँ। सोने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज रात को मुझे निकलना है, तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटा सो लेता हूँ, जैसा कि मैं हर बार सोचता हूँ लेकिन सो नहीं पाता। और अभी पता है, मैं जब आ रहा था ना ऑफिस से, तो देखो क्या लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ। पता कितने की है ये, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या ये है? फल से खुल जा भाई, ये देखो दिख गए, देखो दिख गया ना, ये है फाल से। पता है कितने रुपये किलो है? किलो छोड़ो, मैंने कहा भैया फाल से कैसे दिए, कहते हैं 100 ग्राम 50 रुपये के। 50 रुपये के 100 ग्राम लाए हूँ ये, तो मैंने कहा भाई 250 ग्राम कर दो, 100 रुपये के दे देना। तो 250 ग्राम 100 रुपये के, मतलब 100 रुपये के फाल से 250 ग्राम, वो भी 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो, 100 रुपए के 250 ग्राम है ये। 400 रुपए किलो फाल से, फाल से जो हम फ्री में तोड़ के खाते थे पहले पेड़ों से, फाल से शहतूत जामुन ये सब चीजें फ्री में खाते थे, 400 रुपए किलो फाल। तो भाई मैंने कहा यार, मैं रुक गया, स्कूटी रोक दी, तो मैंने कहा ले ही लेता हूँ भाई। मैंने कहा अंकल जी हमसे ज्यादा अमीर तो आप हो, रेडी में घूम रहे हो, हम तो स्कूटी में घूम रहे, गरीब हो गए हम तो। भैया सो रहा हूँ थोड़ी देर, सोने के बाद फिर मिलता हूँ। गाइस मैं सो के उठ गया हूँ, 6 बजे सोया था मैं उसके आसपास ही, और 6:30 हो गए। खिचड़ी खा के जाऊँगा, लेट ही हो गया हूँ। पर वो लोग अभी आए नहीं जिनके साथ में जाना है, तो मैं लेट नहीं हूँ, वो लेट है। मतलब मैं भी लेट हूँ पर मुझसे ज़्यादा वो लेट है, तो उनकी उनका फॉल्ट माना जाएगा, मेरा फॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो फटाफट मैं खिचड़ी खा लेता हूँ फिर निकलते हैं। भाई हम लोग ग्राउंड में पहुँच गए, भाई उनके पास है पानी, ग्राउंड में पहुँच गया, लाइटें भी जली हुई हैं और मट्टी हो रही है भाई यहाँ पे मेरे को। तो शर्मा, आज शर्मा जी भी आए हमारे मैच खेलने, और चौधरी भाई यार, पिछली बार चौधरी भाई ने बहुत रन मारे थे, 3 भाई। इस बार बढ़िया खेलेंगे, भगवान की दुआ। बैट ले लिया भाई ने, और आयुष भी आया, वही जो पिछले कई मैचों में सेंचुरी मार रहा है, बस आगे एक नहीं आ पा रहा, 0-0। 5 बोलो 8 रन, वो कहता है इस एवरेज से लोगे तो मेरी सेंचुरी अच्छी रहती है। हां 10 मैचों 12 मैचों मिला के तो हो ही जाएगी। अभी जलेगी भाई, लाइटें बंद है भाई फिलहाल, तो अभी बहुत मिट्टी हो रही है यार। भैया फिलहाल एक लाइट जली है, बाकी सारी बंद है, लेकिन ग्राउंड बहुत जबरदस्त है। अभी तक जितने भी ग्राउंड में हमने खेला उसमें बहुत जबरदस्त ग्राउंड है, और सुना है कि इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। देखो अभी फिलहाल एक लाइट जली है, उससे कितनी रोशनी है, 2-3-4 हो चार है। जबरदस्त ग्राउंड है, और देख रहे अगर आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ पे ना धुंध है, ओस है, मिट्टी है, पता नहीं क्या है, जो भी है, बट सुंदर लग रहा है कैमरे में, पता नहीं। और ये बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ भाई तो भाई अब जल गई प्रॉपर लाइट, अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा ग्राउंड। हमारी आ गई है बैटिंग, क्योंकि हम जीत गए हैं टॉस, और इधर ये भूखे लोग खाना खा रहे हैं। बाकी चौधरी कहाँ गया? शादी भेजा भी, भेजा भी तुमने उसको, है रिस्पॉन्सिबल आदमी को। हाँ बेटा तू भी है क्या? भाई उन्होंने कितने परफॉर्मेंस दिया यार, ये बताओ। ये ब्लॉग बनाते हैं, किशोर जी ब्लॉग बनाते हैं, बढ़िया ओपनर है यार, हमारी टीम हम खिला नहीं पा रहे उसके लिए तो सॉरी कहेंगे, लेकिन 6 मैच 150 रन क्या ओपनिंग में भाई जी, भाई ने फील्डिंग करी थी। ये 150 मैच छह में आपको 18 मैच खेला है हमारी टीम से, कैपिटल किंग्स, कोई भी क्रिक हीरोज में देख सकता है इसकी फील्डिंग, वैगन व्हील में बिल्कुल जीरो इसके माँ ने भी डिसऑन कर दिया। शर्मा जी पानी देने गए थे और मुआयना करके आ रहे पिच का, आयुष कुछ कहते आयुष तो पहले बता दो, मैं अभी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, फ्री हिट था, लेकिन आयुष कुलन कितने स्कोर हो गए? 30 तो हो गया इसके, 30 प्लस हो गए ना, 30 हो गए, 30 हो गए भाई। स्कोर तो आयुष है ना, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। माही मार रहा है भाई, इसकी मम्मी को फोन कर दे, तुम्हारा लौंडा मार रहा है आज। ओ रे आयुष, अरे शॉट है लड़के, भाई छोड़ दो यार, इतनी मुश्किल से लड़के ने शॉट
भाग जा भाग जा भाग जा आयुष तेज शाबाश अरे लड़के शाबाश शाबाश आयुष हमारी कसम भाई मैं सही बता रहा हूँ आपको रेल बना देगा आज ये सबकी ये क्रेटा किसकी खड़ी है आपकी पता है क्रेटा में मैं जाऊंगा वैगनर में तुम जाओगे चलो भाई वेल प्लेड मारने के लिए अरुण भाई थे सीरियसली मना दे भाई स्टार्ट दो रन आया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं डबल डबल आगे आगे डबल आगे डबल आगे बहुत अच्छे शाबाश सोनो बहुत बढ़िया लड़के बहुत अच्छे यार बहुत बढ़िया सौरव के नाम पे छुड़िया छुड़िया चौका चौका हो गया हो गया हो गया हो गया दे दो भाई दे दो कोई दिक्कत नहीं है भाई मैच तो हार गए उसकी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पे देखो क्या कलेश हो रहा है लोड खा लिया लड़कों ने यहाँ देखो क्या बताओ देख रहे हो क्या हो रहा है खड्डा में जा रहा है सो गाइस अभी मैं रेडी हो गया फटाफट क्योंकि मेरे को अभी अजमेर निकलना है काशु पापा को पारी करो मेरी बात सुन कराओ आओ जल्दी हो जल्दी पापा जा रहे हैं बेटा अपना पापा को पारी कर दे मेरे बेटा हक्का तो जोशे जोशे आप ना मम्मी का ध्यान रखना ठीक है पापा आएंगे तो आप कल आ जाऊंगा मैं आप मम्मी का ध्यान रखना आपने फिर मम्मी का ध्यान कौन रखेगा भाई मम्मी का भी तो ध्यान रखना है मेरा बेटा रखेगा ना मैं बेटी रखती है ध्यान चलो आ जाओ मम्मी के साथ रखे अरे भाई तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार गाड़ी में बैठ चुका है घर वालों का वेट कर रहा हूँ घर वाले आएंगे फिर हम निकल रहे हैं फटाफट से अजमेर जाना है एक्चुअली भाई वेट कर रहे हैं पता नहीं कहाँ रह गए घर वाले आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ फिर भैया समय हो गया 2:34 और हम लोग हरियाणा में ही अभी वॉशरूम के लिए रुके थे और मैंने पेट्रोल भरा लिया क्योंकि राजस्थान में तो भाई साहब बहुत ही महंगा है मतलब 5-10 रुपये और महंगा है यहाँ से यहाँ पे 105 है दिल्ली के हिसाब मुकाबले और राजस्थान में और भी ज़्यादा महंगा है तो हमने पेट्रोल भरा लिया यहाँ से दोबारा से क्योंकि फिर यहाँ नहीं भराना पड़ेगा ना मतलब राजस्थान में नहीं भराना पड़ेगा तो निकल रहे फटाफट वापस भाई 4:50 और एक बार और रुके हम मूत्र विसर्जन के लिए भाई पूरे रास्ते लगा लो 1:15 हम निकले थे और कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहा हूँ 5 बजने वाले सिर्फ 10 मिनट हैं और एक बार पेट्रोल भराने के लिए रुके थे और एक बार अभी बस वॉशरूम जाने के लिए रुके हैं कंटिन्यूसली गाड़ी चल रही है पहुंचने वाले मेरे जयपुर तो क्रॉस हो गया है पहुंचने वाले 1 घंटे के अंदर 1.25 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे तो जैसे अभी 5 बजे ना 6:30 मैक्सिमम 6:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से और एक चीज़ बोलनी थी यार जनरली मैं बोलता नहीं हूँ बट अब मैं कहीं जाता हूँ ना मुझे काशु और उसकी मम्मी की ना याद आती है मतलब मैं जनरली ऐसा बोलता नहीं हूँ मेरे को ना पता नहीं पर जस्ट जो भी है यार मतलब मेरे से बोला नहीं जाता ये सब चीज़ें बट मैं मिस करता हूँ इन दोनों को मतलब मेरे को ये लगता है कि काशु भी साथ होती ना उसकी मम्मी भी साथ होती तो अच्छा रहता काशु देख लेती और उसकी मम्मी मेरे साथ रहती बस तो फटाफट ये लोग भी वॉशरूम गए थे सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं हम निकल रहे हैं फटाफट भैया मैं सो रहा हूँ